मैं शालिनी एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल रोजगार विद शालिनी में। आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो कि है पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995। तो अब आप लोग कमेंट करिए कि पीडब्ल्यूडी का फुल फॉर्म क्या होता है, पीडब्ल्यूडी का फुल फॉर्म क्या होता है ये आप लोग कमेंट करिए। मैं आपको बताती हूँ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटी एक्ट ये कब आया था, ये 1995 में आया था। ये क्वेश्चन आपको प्रिपेयर रखना है। तो आपसे ये पूछा जाता है कि आखिर ये पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट का क्या मेन ऑब्जेक्टिव था, क्या एम था, क्यों इसको लाया गया, ये जो अधिनियम लाया गया, ये जो एक्ट लाया गया 1995 पीडब्ल्यूडी एक्ट, ये क्यों लाया गया, क्या जरूरत पड़ी। तो ये सारी चीजें आपसे पूछी जाएंगी। अगर आपको कुछ भी पॉइंट्स पता है, एक दो पॉइंट, तो आप लोग कमेंट करिए, मैं ये सारी चीजें यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो सबसे पहली चीज ये कि टू क्रिएट अ बैरियर फ्री एनवायरनमेंट। आप लोग देखे होंगे हमारा समाज, हमारी दुनिया सबसे आगे बढ़ चुकी है, हर एक चीज डिजिटल हो चुका है, सबकी सोच भी आगे बढ़नी चाहिए, लेकिन कुछ लोगों की सोच अभी तक पीछे है। यानी कि जो भी विकलांग व्यक्ति होते हैं या उनके अंदर कोई ना कोई डिसेबिलिटी होती है, कोई प्रॉपर तरीके से बोल नहीं पाता है या अच्छे तरीके से देख नहीं पाता है, लिख नहीं पाता है या फिर सुन नहीं पाता है, उसका लोग मजाक उड़ाने में लगे रहते हैं। यानी कि अभी भी हमारा जो एनवायरनमेंट है वो पूरे तरीके से फ्री नहीं हो पाया है। तो इसका पहला ऑब्जेक्टिव यही है कि टू क्रिएट अ बैरियर फ्री एनवायरनमेंट, जो भी उन लोगों के प्रति और जो नॉर्मल व्यक्ति के बीच में जो एक बैरियर लोग बना दिए हैं कि ये डिफरेंस है आपके और हमारे बीच में, ये डिफरेंस हटाने के लिए सबसे पहले ये एक्ट आया है। ये डिफरेंस हटा दे, ये बैरियर हटा दे कि जो डिसेबिलिटी वाले पर्सन है और जो नॉर्मल व्यक्ति है, इन दोनों के बीच में एक बैरियर जो बन चुका है, एक जो सामाजिक बैरियर बन चुका है, उस चीज को हटाने के लिए ये पीडब्ल्यूडी एक्ट आया है। ये फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट है कि टू काउंटरैक्ट एनी सिचुएशन ऑफ अब्यूज एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ अ पर्सन। यहाँ पे कि हम लोग उन लोगों का कहीं ना कहीं शोषण तो होता ही होता है, जो व्यक्ति चल नहीं पा रहा है या फिर जो व्यक्ति किसी भी चीज में डिसेबल है, वो उस तरीके से अच्छे से प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पा रहा था, तो इस चीज को हटाने के लिए भी ये एक्ट लाया गया था। यानी कि जो बीच बीच में शोषण होते रहते थे लोगों के, जो डिसेबल पर्सन रहते थे उनके, जो आंख से देख नहीं पाते थे, जो अच्छे से सुन नहीं पाते थे, क्या उनको एक प्रॉपर स्कूल में एडमिशन भी मिलता था, क्या उनको अच्छे तरीके से एक रहने का जगह या फिर उनको कोई वो एक लेवल मिलता था समाज में जो बाकी लोगों को मिलता है, तो ये एक शोषण ही तो होता था। और इसी शोषण को हटाने के लिए 1995 में पीडब्ल्यूडी एक्ट लाया गया था। अब देखिए ये सारे जो पॉइंट्स हैं, ऐसा नहीं है कि अब मतलब ये अधिनियम 1995 में आ गया था तो उस समय ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा थी, इसलिए इस सब चीजों को हटाने के लिए ये एक्ट लाया गया। अब धीरे धीरे करके कम हो रहा है, हर एक लोगों को हर एक फील्ड में आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है, लेकिन उस वक्त ऐसी सिचुएशन नहीं थी, इसलिए 1995 में ये एक्ट लाया गया था। आप लोग को भूल के नहीं बोल देना 2005, 2008, 2010, नहीं, ये 1995 का एक्ट है। अब लास्ट पॉइंट मैंने लिखा हुआ है टू स्पेल आउट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट टूवर्ड्स द प्रिवेंशन ऑफ डिसेबिलिटीज, प्रोटेक्शन ऑफ राइट, प्रोविजन ऑफ मेडिकल केयर, एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट। अब ये इसलिए भी लाया गया है कि जो राज्य है, जो स्टेट है, वो अपने लोगों के प्रति ज्यादा जागरूक हो जाए, उनपे ज्यादा से ज्यादा ध्यान दे और उनकी हर प्रकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाए, उनको हर एक चीज का प्रोटेक्शन मिल रहा है कि नहीं मिल पा रहा है, क्या उनको समाज में वो दर्जा दिया जा रहा है जो देना चाहिए उन लोगों को, क्या उनके जितने भी डिसेबिलिटीज के लिए उनका जो प्रिवेंशन है वो हो पा रहा है, क्या उनको अच्छे से प्रॉपर मेडिकल केयर मिल पा रहा है, क्या उनके जो अधिकार है उनका उनको अच्छे तरीके से भरण पोषण मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है, उनके अधिकार का उनको जो सम्मान मिलना चाहिए वो मिल रहा है कि नहीं मिल पा रहा है, क्या उनको एक प्रॉपर एजुकेशन दी जा रही है, क्या उनको एक प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है जो लोग भी डिसेबल पर्सन हैं। तो ये सारी चीजों पर फोकस करता है हमारा पीडब्ल्यूडी एक्ट। तो आपको ये सारी चीजें ध्यान में रखना है, क्योंकि आपसे क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाएगा ये कुछ भी नहीं कहा जा सकता। तो सबसे पहले आप लोगों को पीडब्ल्यूडी का फुल फॉर्म याद रखना है, पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट, ये आया था 1995 में। इसका पहला रूल ये था कि हम लोगों को बैरियर फ्री एनवायरनमेंट बनाने के लिए ये एक्ट आया था। दूसरा ये कि उन लोगों के हर एक राइट उन लोगों को मिल रहा है कि नहीं मिल पा रहा है, उन लोगों को प्रोटेक्शन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, क्या उनको मेडिकल केयर प्रॉपर मिल पा रहा है, क्या उनको एजुकेशन मिल रही है, एजुकेशन के साथ साथ क्या उनको एम्प्लॉयमेंट भी दिया जा रहा है, इन सब चीजों पर भी फोकस किया हमारा पीडब्ल्यूडी एक्ट। और नेक्स्ट पॉइंट ये था कि जो उनके प्रति जो शोषण हो रहा था समाज में, उसको भी ज्यादा ध्यान में रखते हुए ये एक्ट को लाया गया, ताकि उनको हर एक तरीके से सुरक्षा प्रदान की जा सके। तो ये रहा पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995। अगर ये आपको समझ में आया तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब। थैंक यू।